जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में रात से हो रही बारिश की वजह से चिनाब दरिया का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। वहीं डीसी जम्मू ने चिनाब के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अलर्ट जारी कर सभी लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत दी है। वहीं चिनाब के आसपास बसे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सचेत कर दिया गया है। ये लोग भी दरिया पर नजर रखे हुए हैं। अगर जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाता है तो ये सुरक्षित जगहों की ओर रुख कर लेंगे। जम्मू श्रीनगर लेह हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। रात से हो रही भारी बारिश के कारण हाईवे पर विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। वहीं खराब मौसम की वजह से चल रही अमरनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। जम्मू से रवाना होने वाले श्रद्धालुओं के जत्थे को भी फिलहाल मौसम साफ होने तक रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से पहाड़ी इलाकों का रुख न करने की हिदायत दी है। देश के अन्य हिस्सों के बाद अब जम्मू में भी बरसात तबाही मचाने लगी है। आज सुबह जमाजम बारिश के चलते जम्मू शहर के अधिकतर निचले इलाके जलमग्न हो गए। लोगों के घरों में 2 से 4 फुट पानी चढ़ जाने के कारण बहुत नुकसान हुआ। हालांकि 11 बजे के करीब बारिश कम होने से जलस्तर कम होने से राहत तो मिली, लेकिन अभी भी तेज बारिश की संभावना के चलते खतरा बरकरार है। वहीं अगर लोअर रूपनगर की बात करें तो यहां पर जेडीए द्वारा बनाया गया नाले पर पुल जो है वो तबाह हो गया है, जिसके बाद यहां पर काफी बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मंजर 2014 में भी देखने को मिला था। 27 और 28 जुलाई की रात को एक साहसी बचाव अभियान में भारतीय सेना ने एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से जिला पुंछ के जूला से 4 लोगों की जान बचाई है। बता दें कि भारतीय सेना ने एक गंभीर स्थिति का तेजी से जवाब दिया, जिसमें क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण 4 युवा पुंछ नदी की बाढ़ में फंस गए थे। लगातार हो रही बारिश के चलते जो है पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे भी लैंडस्लाइड के कारण कलाई इलाके में बंद हो गया। बता दें कि यहां पर भारी मात्रा से पहाड़ों से पत्थर नीचे गिरे और जिसके बाद से बचाव कार्य भी शुरू किया गया। साथ ही साथ ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि मशीनरी को लगाकर रोड को क्लियर तो कर दिया गया है, परंतु अभी भी खतरा जो है वो बना हुआ है। उन्होंने लोगों से हिदायत दी है कि वे अपने घरों से पहले निकलने से पहले ट्रैफिक विभाग की सारी जानकारी जो है वह हासिल कर ले, क्योंकि लगातार मौसम जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कठुआ शहर में लगातार हो रही जोरदार बारिश से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कठुआ शहर के हटली मोड़ के पास तालाब का रूप धारण कर चुका है। आलम यह है कि सुबह से लेकर अभी तक एक दर्जन गाड़ियां पानी के बीच फंस गई हैं और पूरी तरह से खराब हो गई हैं। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर पानी भर चुका है और प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देने से साफ इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। देश में कोरोना वायरस ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के नए मामले 20,000 को पार कर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,557 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 44 लोगों की मौत भी हो गयी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ आज भाजपा नेताओं ने लोकसभा में सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी अपनी द्रौपदी मुर्मू के अपमान को मंजूरी दी। सोनिया जी ने सर्वोच्च सैवंधिक पद पर महिला के अपमान को मंजूरी दी है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इसके मामलों की संख्या 18,000 को पार कर गई है। दुनिया के 67 देशों में सामने आने वाले इन मामलों में विश्व की चिंता बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व अभी भी कोरोना महामारी से पूरी तरह से निजात नहीं पा चुका है। इसी बीच WHO ने विश्व स्तर पर कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को इससे बचाव की वैक्सीन दी जानी चाहिए।